सो गाइस, आज के इस वाले वीडियो के अंदर अपन लोग बात करने वाले हैं हीरो ब्रांड एसएमपी के बारे में। मतलब कि यार अपन लोग बात करेंगे हीरो ब्रांड एसएमपी में आखिरकार चल क्या रहा है, कौन क्या क्या चीजें कर रहा है। सो सबसे पहले आते हैं अपने रोनी भाई, चपाती भाई और अपने ईशान भाई के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो ईशान भाई और चपाती भाई, इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे कहते हैं कि भाई तेरे कारण सर्वर जो है क्रैश हुआ है। एक्चुअली में जो सर्वर है वो भाई क्रैश होता है रोनी भाई की वजह से, पर भाई उनको तो पता ही नहीं था ना। इसलिए भाई रोनी भाई जो है उन दोनों के अच्छे से मजे ले रहे थे और भाई उन दोनों को बार बार आपस में लड़वाए जा रहे थे। स्टार्ट कब करना बता। रुक जा, मुझे तेरा पीछे आए थे। ओए रुको, तीर नहीं मारनी। मैं हवा में तीर मार रहा हूँ। हवा में तीर नहीं मारनी। हवा में तीर, ठीक है, ओके। मुझे लग गया, करली बेची थी, करली। हवा में तीर मार रही, हवा में तीर मार रही। 3-2-1 फाइट। ओ पहला तीर पड़ गया। ओए क्या मार रहा है। ओ पड़ी ईशान को, ईशान को पड़ी, दो पड़ी। 3-2-1 फाइट। ओ पहला तीर पड़ गया। ओए क्या मार रहा है। ओ पड़ी ईशान को, ईशान को पड़ी, दो पड़ी। ओ भाई भाई ईशान के ऑलमोस्ट हर तीर लग रहे, ईशान के ऑलमोस्ट हर तीर चपाती भाई को पड़ रहे। अभी टारगेट नजर आ रहा है दोनों। और भाई कितने तीर लगे एक दूसरे को, कितने तीर लग रहे। ओ भाई ईशान को बहुत तीर लगी और चपाती भाई फिर से। यहाँ पर जो गाइस चपाती भाई बार बार ईशान भाई से हार रहे थे, इसलिए यार वो चपाती भाई कहते हैं कि जो सर्वर है वो आपके कारण ही क्रैश। पर यहाँ पर गाइस एक सीन क्या होता है कि इससे पहले, मतलब इन दोनों की लड़ाई से पहले, ये लोग क्या करते हैं कि भाई चपाती और ईशान भाई जो अपना जो सामान है आर्मर्स भाई, मतलब जो भी भाई उनकी इन्वेंट्री में होता है वो सारा जो एक चेस्ट में रख देते हैं। और ऐसा जो करने के लिए है रोनी भाई उन्हें कहता है कि यार वो बार बार एक दूसरे को मारेंगे तो भाई सामान बिखरेगा, ऐसा भाई दिक्कत नहीं चाहिए ना। इसलिए भाई रोनी भाई कहते हैं आप जो अपना सारा सामान एक चेस्ट में रख। फिर उसके बाद गाइस ये आपस में लड़ाई वड़ाई करते रहते भाई, काफी देर तक लड़ाई करते हैं। फिर जब वापस अपना सामान लेने आते हैं तब वहां पर क्या देखते हैं ये वो आप देखो। आई हो गए, ओए ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी है। ए भाई मालूम मत है भाई 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 रुको रुको, ज़ॉम्बी मार रहा हूं मैं, ज़ॉम्बी से तो बचने पाओ। ज़ॉम्बी मार दी, ज़ॉम्बी सारे मार दो। जॉनी जॉनी हां जस्ट साहब को ज़ॉम्बी मार रहे हैं। मैंने ज़ॉम्बी मार दिया। क्या ये मेरा चस्का है यही पे। ओए रुक 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 यार, ये कौन है यार, ये तेरी भैंस की। रुक तेरे को बताता हूं मैं, जज साहब के सामने मेरे को मारा जज साहब। हुआ क्या, हुआ क्या, तुम्हारी चेस्ट यही पर थी, कहाँ पर थी, पीछे थी क्या? और मेरे चेस्ट यही पर थे। तुम्हारे चेस्ट गए कहाँ फिर, मुझे क्या पता। अरे मैं तो भाग भी नहीं पा रहा, मेरे पास खाना भी नहीं है। हाँ ले खाना, ले खाना मैं दे रहा हूँ तेरे को, पर तुम्हारे चेस्ट कहाँ गए। चेस्ट कहाँ फेंक दिए जज साहब, चेस्ट कहाँ फेंकूंगा मैं, तुम्हारे साथ था पूरा टाइम। इसका मतलब कि जिस बंदे पीछे ने पीछे पीछे उसी बंदे ने सर्वर क्रैश किया। ओ ये इंटरेस्टिंग, सर्वर गए खतरनाक सीन हो जाता था भाई। उनके जो चेस्ट होती है भाई सामान के साथ भाई चेस्ट ही गायब हो जाती है। मतलब भाई वो वापस लेने आते थे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर ईशान भाई और चपाती भाई रोनी भाई पर इल्जाम लगाते हैं कि भाई आपके कारण जो है हमारी चेस्ट गायब हुई है, हमें तो लगता है कि आपने ही गायब करवाया, या फिर भाई कोई चौथा ही चोर है भाई जिसके कारण जो सर्वर क्रैश हुआ है और भाई उसी ने चोरी करी है। पर देखो भाई सर्वर तो है रोनी भाई के कारण क्रैश हुआ था, पर चोरी रोनी भाई ने नहीं करी थी। इल्जाम तो रोनी भाई के ऊपर आ जाता है क्योंकि भाई उन्हीं के कारण जो चेस्ट चोरी हुई। फिर रोनी भाई आ जाते हैं थोड़ा फॉर्म में और भाई वो ढूंढने लग जाता है चेस्ट को, आखिरकार कहां वो जा सकती है। तो अभी हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं, यही वो जगह है, यही वो स्थान है गाइस, यही वो जगह है जहां से इनका सारा सामान चोरी हुआ। एक एक नेदरराइट का बोर, एक एक नेदरराइट का आर्मर, सब कुछ यहां से चोरी, और किसी को मालूम ही नहीं पड़ा सामान गया किधर, कौन ले सकता ये सामान। एक सेकंड, ये रास्ता इधर ऐसा क्यों जाता है, मेरे को ये रास्ता देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि एकदम कन्वीनियंट रास्ता है, यहाँ से आकर चोरी करके भाग जाओ, इधर कोई कुछ झोल झपटे किया है क्या। गाइस रोनी भाई काफी ढूंढते हैं पर भाई उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो सोचते हैं कि भाई उनका जो एशियन डेब्रीज का फार्म, वहां से जो है गाइस वो उन्हें कुछ, मतलब चपाती भाई ईशान भाई कुछ एशियन डेब्रीज दे देंगे ताकि भाई उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। सामान रखवाया था यार, इसलिए मुझे खराब लग रहा है यार कि ऐसा तो नहीं यार मेरी वजह से सामान चलेगा उन लोग का, यार मैंने चेस्ट में सामान रखवाया था। तो गाइस एक काम करते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमारा जो वहां पर इन्फिनिट नेदरराइट का फार्म है वो फार्म में जाकर थोड़ा सा नेदरराइट निकालते और नेदरराइट निकाल कर इन दोनों को दे देते कि यार कुछ तो टूल बना लो यार, थोड़े टूल्स बना लो, जितना टूल्स बन सके जो बन सके उसे तुम लोग बना लो यार। यार मेरे को खराब लग रहा है कि इन लोग का सामान किधर गया यार, ऐसे ऐसे थोड़ी अच्छी बात है यार सामान गायब हो जाना यार, मुझे खराब सच्ची खराब लग रहा है, सामान कहाँ चला गया इन लोग का। तो एक काम करते हैं,
मैं चुपचाप यहाँ से चलता हूँ जहाँ पर मेरा वो नेदरराइट का फार्म बना हुआ है, और वो फार्म पे चल के वहाँ से जितना नेदरराइट यहाँ पर गाइस रोनी भाई पूरा मन बना लेते हैं, पूरा प्लान बना लेते हैं कि भाई वो अपने फार्म से एशियन डेब्रीज लाकर चपाती भाई और ईशान भाई को दे। इसीलिए भाई वो जो है फोन कर देते हैं, मतलब लिटरली भाई असली में फोन कर देते हैं कि भाई मैं तुमको एशियन डेब्रीज देने वाला हूँ, इसलिए जल्दी से गेम में। फिर रोनी भाई भी निकल जाते हैं एशियन डेब्रीज लेने की, भाई वो आने वाले होंगे इसलिए पहले जल्दी से एशियन डेब्रीज निकाल लेता हूँ, फिर उन्हें जाकर दे। जब वो अपने एशियन डेब्रीज वाले आइलैंड पर पहुंचते हैं तब उन्हें क्या दिखता है? चलो भाई नेदरराइट फार्म का कहीं तो कुछ फायदा हुआ, जल्दी जल्दी यहाँ से एंशिएंट डेब्री निकाल लेता हूँ और निकाल कर जाकर इन्हें देकर आता हूँ मैं। नेदरराइट फार्म। एक सेकेंड, व्हाट द हेल, ये आइलैंड ना आइलैंड तो ही है, हैं बिस्तर लगा हुआ यहाँ पे, अबे ये फार्म गायब हो गया, फार्म तो यही था। हाँ इधर ये संकेत शिप था, मेरे को याद है इधर आया था मैं पहला, व्हाट द हेल, आई थिंक फार्म यहाँ पर था, ये जगह पे था। यहाँ पर जगह रोनी भाई के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है, मतलब कि भाई उनका भी यार एशियन डेब्रीज का जो फार्म है भाई वो पूरा फार्म ही चोरी हो जाता है। यहाँ पर रोनी भाई को इस बात की टेंशन नहीं थी कि उनका फार्म चोरी होगा, उनको भाई इस बात की टेंशन थी कि भाई उन्होंने स्पेशल फोन कर भाई चपाती भाई और ईशान भाई को बुलाया है कि भाई आओ मुझसे नेदरराइट लेकर जाओ, वो उन्हें क्या देंगे, इसलिए भाई वो डर जाते हैं और भाई वो गेम बंद कर अपना सो जाते। फिर ईशान भाई और चपाती भाई गेम में आते तब उन्हें क्या दिखता है कि भाई रोनी भाई तो यहाँ पर है ही नहीं। हेलो क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे भाई, मेरे को छोड़ो तो भाई आप बताओ कितनी रात गए वो यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा थोड़ा सा काम था, पर्सनल काम है, आपका क्या है? पर्सनल काम है, मैं भी यहाँ वो बाजू में सुसु करने निकला था रात को। अच्छा आप आ गए क्योंकि मैं घर पर निकलो, यहाँ से सुसु करके निकलो। अच्छा भाई भाई मेरे को सच्ची सच्ची बता दो, कुछ ना कुछ गड़बड़ा, आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो आप यहाँ पर? एक्चुअली रानी मुझे नेदरराइट देने वाला है यहाँ पर। सीरियसली? हाँ, वो मेरा माल आपको दे रहा है क्या? मेरे को भी उसने ऐसे ही बोल के बुलाया मुझे है भी बोला था, दोनों मिलकर मारती क्या उसको? किधर है वो, ये नूपड़ा बंदा किधर है? मैं रोटी चाय का आने भी नहीं दे रहा, ये किधर है? यहीं पर होगा, मुझे कहीं अंदर अंदर होगा, उसको ढूंढते अंदर। अरे ईशान भाई मेरे को बचा लो, ये रोनी की वजह से मैं स्केलेटन नहीं मार पा रहा यार, कुछ है ही नहीं मेरे पास खाने के पास। मैं दूध पी के अपनी हेल्थ बढ़ा रहा हूँ, ये देखो मेरे पास एक बाल्टी दूध है, आपको चाहिए? यहाँ पर जो है ईशान भाई और चपाती भाई जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है रोनी भाई के ऊपर, मतलब कि भाई उन्होंने उनको तो बुला लिया और भाई खुद चले गए सोने, भाई ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए भाई वो एक बहुत खतरनाक प्लान बनाते हैं, उन्हीं के हाथों उन्हीं का कैसीनो उड़ाने का प्लान। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, बोलो बोलो बोलो। काम करते हैं, ये पूरे घर के नीचे TNT लगा देंगे, पूरा ट्रैप कर देंगे, और सारे TNT का जो एक बटन होगा ना यहाँ पर लगा देंगे, और वो बटन दबवाएंगे रोनी से, तो हमारे ऊपर नाम भी नहीं आएगा। अच्छा आइडिया। देख लो तो जब कुछ बात हो जाएगी तो हम बोल देंगे रोनी ने खुद बटन दबाया तो घर फट गया। और मुशु क्या कर रही है ब्रो यहाँ पर? तो देखो गाइस लास्ट टाइम हमारा ये था, बट तुम लोग बोल रहे थे कि भाई ये ना बहुत चमक धमक भी हो रहा है और इसमें ना वो मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक तरह से बेस नहीं है, ये एक तरह से हाइड आउट है। तो हम लोग इसमें आज बेस बनाने वाले हैं, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा और मुझे थोड़ा सा ध्यान देके ना इनको भी तोड़ना पड़ेगा, या फिर हमें उसे तोड़ने की जरूरत नहीं, आई थिंक मैं इतने एरिया में आराम से बना दूंगा। और अंडरग्राउंड होगा ये, समझ रहे हो, इंस्टेड ऑफ ऐसे निकलने के हम लोग उसको अंडरग्राउंड कर देंगे, कितना कूल लगेगा सोचो। एक सीढ़ी जाएगी जो नीचे हमें वहां ले जाएगी और ऊपर अपना पूरा फोर्टिफाइड बेस होगा जिसमें मैं और उज्जवल, मतलब कि यार फ्लीट भाई ने पहले प्लान बना रखा है कि भाई फ्लीट भाई और उज्जवल भाई जो साथ में यहाँ पर रहने वाले इस सीक्रेट बेस। चलो अब अपन सीधा देख लेते हैं भाई उनका जो बेस आखिर में बनकर तैयार कैसा होता है। देखो सूरज उग रहा है और इसी के साथ साथ ही देखो ला 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 हमारा कासल। भाग जाओ यहाँ से। ओके तो गाइस ये है हमारा, चलो भैया तेरे को ही बता दो तू, आ जा। गाइस कासल फैंटम का खून मांग रहा है हमसे, कासल कह रहा है वी नीड फैंटम ब्लड,
अबे और आगे क्या? सो यहाँ पर सीक्रेट बेस जो भाई उन्होंने काफी ठीक ठाक तो बना लिया, अब देखते हैं भाई आगे भी हो सकता है बहुत ज्यादा अपग्रेड करने वाले हैं वो। सो बस गाइज आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप गाइज आपके लिए जो वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, अगर रही है तो भाई इस वीडियो को पहला सा लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस अमेजिंग वीडियो को, और भाई अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, बेल आइकन देर का उसको भी कर लेना।